प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से है। आपका बता दें कि करनाल में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक तंवर ने भाजपा और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा है। अशोक तंवर का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस साठ गांठ करके चुनाव लड़ रही है। अशोक तंवर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर हुड्डा और सीएम मनोहर बड़ौदा का उपचुनाव लड़ते हैं तो मैं भी मैदान में उतरूंगा। उन्होंने कहा कि जींद का उपचुनाव कांग्रेस के नेताओं की वजह से सुरजेवाला हार गए थे। और इसके साथ ही चेतावनी देते हुए अशोक कुमार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और सबकी सर्जरी करने को तैयार हूँ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि करनाल में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक तंवर ने भाजपा और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस साठ गांठ करके चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि अगर हुड्डा और सीएम मनोहर लाल बड़ौदा का उपचुनाव लड़ते हैं तो मैं भी मैदान में उतरूंगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जींद का उपचुनाव सुरजेवाला कांग्रेस नेताओं की वजह से ही हारे थे। और इसके साथ ही अशोक तंवर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और सबकी सर्जरी करने को तैयार हूँ। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है पूर्व सांसद अशोक तंवर का। इंडिपेंडेंट्स भी थे और जो कांग्रेस में लोग हमारा साथ देते थे हमने उनका भी साथ दिया था। वो बहुत स्थिति बदल गई है और आने वाले समय में हम तो कह ही रहे हैं कि हरियाणा और ये देश विकल्प चाहता है, इन दोनों पार्टियों से छिड़ चुका है। ये मिल करके मिली भगत के साथ जिस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात करते हैं वो कहीं भी नहीं। और देखो सबसे बड़ी बात, मीडिया का स्पेस लेने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में मिल करके कहते हैं तुम मेरे खिलाफ बोलो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा। एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ ले, उसने विकास किया तो वो कह रहे हैं, उसने चुनाव लड़ा तो वो लड़ ले। मैं दोनों को चुनौती दे रहा हूँ। आज भी समय है, सोच लो अगर चुनाव ये लड़ेंगे दोनों, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो भाई अशोक तंवर भी कल ही मैदान में पर्चा भरेगा, कल नहीं तो परसों भर देगा, लेकिन मैदान में पर्चा भरेगा और दोनों का विकास देख लेंगे। हम कितना विकास किया बड़ौदा का, बहुत बुरे हालात है, कोई सड़क नहीं है, सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और कुछ नहीं है वहाँ पर बड़ौदा में। एक दो कोई सड़क को अगर हम छोड़ दें तो मैं तो वहाँ पर दर्जनों सड़कों से पीछे मैं दौरे करके आया, एक दो बार सोनीपत जब गया बड़ौदा गया तो कोई विकास वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो ये नूरा कुश्ती लड़ना बंद करें और लोगों के हित में काम करें, नहीं तो आने वाले समय में लोग सबक सिखाने का काम करें। आपने कहा कि 2014 में कृष्ण हुड्डा जी की टिकट काटने का प्रयास कर रहे थे कुछ लोग, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे? वो सबको पता है, उनको तो कलोई में खुद जीतने के लिए तो उनको यहाँ पर भेजा था, क्यों उनके बिना जीत नहीं सकते थे। अब बेचारे वो स्वर्ग से धार गए तो उनके जो है संतान से उनके बच्चों से बदला लेने का काम कर रहे थे।